नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ है उत्तर प्रदेश जिला बागपत में एक गांव है छपरौली और वहां पर किरसनपाल खलीफा जी लगातार बच्चों को कुश्ती के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और इनके दिशा निर्देश में बच्चे लगातार आगे बढ़ रहे हैं और बहुत बच्चे यहां से सफल होकर भी गए। अब बात करते हैं किरसनपाल खलीफा जी से। नमस्कार खलीफा जी। नमस्कार जी। खलीफा जी, आप पहले तो अपनी जन्मभूमि के बारे में बताओ। मेरी जन्मभूमि छपरौली है, जिला बागपत, यही गांव का मैं रहने वाला हूँ। अच्छा जी, अपने माता पिता का नाम और बताओ। मेरे पिताजी का नाम सुखवीर सिंह आर्य था। अच्छा जी। और मेरी माता का नाम सुखवीरी देवी था। अच्छा जी। आपने खलीफा जी शिक्षा कहाँ तक प्राप्त की? शिक्षा मैंने बीए करा ली। अच्छा, बीए तक की शिक्षा प्राप्त की जी। आप खेल से किस प्रकार जुड़े थे? बचपन में जैसे दंगल होते थे हमारे गांव में। अच्छा। बड़े बड़े पहलवान आते थे। हाँ जी। तो उन्हीं को देख कर हम जो है शुरुआत कर दी। पहले कबड्डी भी खेलते थे। हाँ जी। और बाद में सिर्फ कुश्ती करने लगे। अच्छा, आपका जो गुरु है जी, वो किसको मानते हैं आप अपना गुरु? किससे आपको सीखने को मिला शुरुआती दौर में? हाँ, जब आप खेल से जुड़े शुरुआती दौर में कंवरपाल थे, श्यामली के। अच्छा जी। कंवरपाल आर्य उनका नाम था, हमारे गांव के भाणजे थे। उन्होंने यहाँ अखाड़ा चला और छंतर में उनके अखाड़े में यहाँ यही आर्य समाज में अखाड़ा उनका। अच्छा, छंतर में। आपको आपके मन में भी ये विचार कैसे आया जी कि एक अखाड़ा खोलना चाहिए और बच्चों को कुश्ती के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का कार्य करना चाहिए? मैं 78 में हॉस्टल ज्वाइन कर लिया मेरिट स्टेडियम में। अच्छा। 82 में मैं लखनऊ रहा स्टेडियम में, और 82 में मैं ज्वाइन कर लिया दुराड़ा शुगर फैक्ट्री। अन्य कई जगह भी मैं गया नौकरियों पर, लेकिन 82 में ये गजेंद्र वगैरह को मैं वहाँ अखाड़े में प्रैक्टिस कराई और फिर वहीं से जो है दिमाग में आई नौकरी वोकरी में कुछ नहीं रखा, जाकर खाड़ा चलाऊंगे अपने क्षेत्र के बच्चों को जो हमने सीखा दुनिया में घूम के उसी काम में। ठीक जी, आपके मन में ये आ गया कि बच्चों को क्षेत्र के कामयाब करना है और उन्हें बहुत आगे तक लेकर जाना है। आपके यहाँ से आपने जो कौन से सन में नींव रखती थी जी आपने इसे खड़े की? इसमें 1985 में ये जो कृष्ण जन्माष्टमी है। अच्छा, इस पे मैंने नींव रख दी थी सन 1985 की। हाँ, कृष्ण जन्माष्टमी। हाँ, हाँ, और ये अखाड़ा था मेरा, शिव मंदिर है हमारा पट्टी धनकोशिया में जो। अच्छा। हमारा मोहल्ला पड़े वहां पर रखी थी। और कृष्ण जन्माष्टमी 86 मई में यहाँ आर्य समाज मंदिर में खाड़ा शिफ्ट कर लिया था। अच्छा। अनुशासन का खेल में कितना महत्व आप मानते हैं? सबसे ज्यादा अनुशासन का ही महत्व है, अनुशासन बिना खेल होता ही नहीं। ठीक। वर्तमान समय में आपके पास में यहाँ पे कितने बच्चे आपके हैं जी अभ्यास करने के लिए? हाँ, मेरे पास जो है 180 के करीब बच्चे हैं अभी, जिसमें 26-27 लड़कियां हैं, बाकी लड़के हैं। और अखाड़े में कितने बच्चे रहते हैं बतौर हॉस्टल? 27 बच्चे हॉस्टल में रहे, लड़कियां बाहर रहती हैं। ठीक जी। 27 बच्चे आपके पास में यहाँ परमानेंट रहते हैं, बाकी अभ्यास करके चले जाते हैं। यदि कोई बच्चा यहाँ पर रहना चाहे तो उसके लिए क्या चार्ज है जी? वो शुरुआत में तो है हमारे 7600 रूपए महीने, 5100 रूपए की एक साल की इसकी रसीद कटे आ रही है समाज मंदिर की। अच्छा। जिसमें मेरी भी कटे एक साल में। और ये जितने फौजी हैं ये सब, वो तो हम आ रही है समाज के लिए, इसके खाड़े के डेवलपमेंट के लिए इकट्ठा कर रहे हैं साल में। ठीक जी। और बाकी 2500 रूपये महीना है बच्चों के लिए, उसमें फीस भी है और मैस भी है। अच्छा, 2500 रूपये में फीस और मैस सब कुछ आएगा और रहना खाना सब है। और वो साल की है वो 5100 रूपये, वो 5100 रूपये एक साल की। मैं एक बार और बताना चाहता हूँ कि जो ये अखाड़ा है ये आर्य समाज मंदिर में चलता है, एक साल के लिए यहाँ पर 5100 रूपये की रसीद कटती है आर्य समाज मंदिर की, बाकी जो बच्चे का खर्चा है वो 2500 रूपये मात्र है और 5100 रूपये जाते हैं पूरी एक साल के, जिसमें इसका मेंटेनेंस वगैरह देखा जाता है। अखाड़े में वर्तमान समय में कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध है खलीफा जी? मैं अंतर्राष्ट्रीय मैट है और अंतर्राष्ट्रीय लेवल का जिम है और अंतर्राष्ट्रीय कोच है। अच्छा जी। साई से भी? साई का भी है। ठीक। कोच हमारा आए भारतीय खेल प्राधिकरण से जुड़े हुए हैं और हमारे इस साल जो है हॉस्टल में 15 लड़के 15 लड़कियां, देश में सबसे ज्यादा जो है साई के बच्चे हैं। ठीक।
तो यह थे कृष्ण पाल खलीफा जी, जिन्होंने एक लंबे समय से अब खेल के क्षेत्र में काम किया है। इनका एक ही सपना है कि इस क्षेत्र का जो युवा है वह मजबूत बने।